नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर एनटीपीसी 10+2 नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल की काफ़ी मात्रा में वैकेंसी ओपन है, जिसका वीडियो आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बनाकर रखा हुआ, जहां पर आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, विदा मिस्टेक के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, कमेंट हमें मिली है कि पेमेंट प्रोसेसिंग की सर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका समाधान कैसे करेंगी। तो पेमेंट प्रोसेसिंग की जो समस्या है वो इसलिए आ रही है कि जैसे कि मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, उस टाइम पर कोई एरर आ गया या फिर पेमेंट फेल्ड हो गया या फिर पेमेंट सक्सेस हो गया, ऐसी स्थिति में जब हम दोबारा से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर जब वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो 15 मिनट के लिए वो बोलता है, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जब वेरीफाई करते हैं फिर भी पेमेंट प्रोसेसिंग का सिस्टम खत्म नहीं होता है, ये बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि इसमें जो सर्वर बनाया गया है वो अपने आप में ये समझता है कि आपने पेमेंट को काटा है या फिर फेल्ड हुआ है, तो जब तक वो अपडेट नहीं कर लेगा यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग आता रहेगा। 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद या 24 घंटे बाद ट्राई करते रहें बीच बीच में, और वेरीफाई बटन पर क्लिक करते रहिएगा। जब आप देखेंगे कुछ घंटे बाद तो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग की जगह पेमेंट पेंडिंग लिखकर आने लगेगा और वेरीफाई का बटन वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो सिस्टम ने अपडेट लिया वो कर दिया है और पेमेंट का बटन हाईलाइट होगा, या फिर वेरीफाई यदि सक्सेसफुल होगा, पेमेंट सक्सेसफुल कटा होगा तो ये दोनों बटन पेमेंट के वेरीफाई के स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पर पेमेंट कंप्लीटेड लिखकर आ जाएगा। पेमेंट कटा है और फिर भी जो है आपका अपडेट नहीं हो रहा है और पेमेंट प्रोसेसिंग की बजाय पेमेंट पेंडिंग लिख कर आने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट आपका सर्वर में फंस चुका है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। इसके लिए 24 से 48 घंटे 72 घंटे का वेट करना पड़ सकता है। हेल्पलाइन नंबर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर होम पेज की जो वेबसाइट उस पर दिए गए हैं, वहाँ से आप नोट करके जिस दिन पेमेंट कटा है उसी दिन मेल करें, कॉल करें, जिससे कि आपका समाधान हो सके। समय से पहले फॉर्म करें जिससे कि फीस फंसने के चांसेस ना रहे। तो जो पेमेंट प्रोसेसिंग की समस्या है वो यही आती है, जब तक वहाँ पर ऑटो सिस्टम नहीं करेगा तब तक यहाँ पेमेंट प्रोसेसिंग दिखाता रहेगा। वेरीफाई करते रहें हर 2 घंटे में 24 घंटे में 3 घंटे बाद तो वेरीफाई का बटन बंद होगा और यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग का पेमेंट कंप्लीटेड या फिर पेमेंट पेंडिंग यहाँ पर आपको दिखाने लगेगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं किस प्रकार से यहाँ वेरीफाई करने के बाद कुछ घंटे बाद हमने जब ट्राई किया लगभग 2.5 घंटे बाद तो यहाँ ये वेरीफाई बटन बंद हुआ और ये बटन अपडेट हुआ, क्योंकि उस टाइम साइट काम नहीं कर रही थी और वेरीफाई हो नहीं पा रहा था। जब ये प्रोसेसिंग समाप्त हुआ तो यहाँ पेमेंट पेंडिंग लिख कर आने लगा। ठीक है, तो जब पेमेंट कट गया है तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर और हर 24 से 48 घंटे में आपको वेरीफाई करना होगा, पेमेंट स्टेटस चेक करना होगा। यदि नहीं कटा है तो पे नाउ का बटन हाईलाइट होगा, दोबारा से कर सकेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वेरीफाई जब बटन हुआ है कुछ घंटों के बाद, तो यहाँ वेरीफाई बटन स्टॉप हुआ है और पेमेंट पेंडिंग यहाँ दिखाने लगा है। इसका मतलब पेमेंट कटा नहीं है, फेल्ड हुआ है, भले ही पेमेंट आपका कटा हो सक्सेसफुल या फिर फेल्ड हुआ हो। इसके लिए मैंने बताया हेल्पलाइन नंबर, ईमेल का तुरंत उपयोग करना होगा जिस दिन ऐसा हुआ है, रिफंड के लिए अकाउंट चेक करना होगा। जिनका नहीं कटा है उनका स्टेटस ऐसा वेरीफाई कुछ घंटे बाद या फिर 3-4 घंटे बाद या फिर 24 घंटे के बाद, जब ये स्टेटस जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके बाद आप पे बटन नाउ पर क्लिक करके दोबारा से पेमेंट कर सकेंगे और अपना फॉर्म को सक्सेसफुल बना सकेंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट कमेंट ये है कि सर पेमेंट कटा ही नहीं है, पेमेंट प्रोसेसिंग आ रहा है, इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है आप सभी के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे कि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे जल्दी जल्दी। तो यार देखिए, प्रोसेसिंग खत्म हुआ और पेमेंट पेंडिंग यहाँ पर आने लगा। तो मैं समझता हूँ जो कमेंट कर रहे थे कैंडिडेट उनको ये समझ में आ गया होगा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, क्यों हो रही थी प्रोसेसिंग और उसके बाद क्या स्टेटस अब आपके सामने वीडियो के माध्यम से आ चुका है। जैसे हमने वेरीफाई किया था तो उसके बाद यहाँ प्रोसेसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग इस प्रकार का स्टेटस दिखाता रहता है, लेकिन फिर जब लॉग इन कर रहे थे फिर से वही पेमेंट प्रोसेसिंग, बार बार ये स्टेटस चलता रहा। जब रात में 2-3 घंटे बाद या सुबह आप इसको देखेंगे तो वहाँ स्टेटस आपको ओके मिलेगा। तो मैं समझता हूँ पेमेंट प्रोसेसिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।